मौसम विभाग के रेड अलर्ट और मानसूनी सीजन को देखते हुए डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के दिशा निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने पिछले वर्ष अक्टूबर में आपदा से भूस्खलन की चपेट में आए भवनों में रहने वाले परिवारों को तुरंत मकान खाली करने को कहा है और तुरंत सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के मल्लागांव भारतौली सिंगदला कमलेंडी आदि क्षेत्रों में खतरे की जद में आए भवनों में रहने वाले परिवारों को तुरंत भवन खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। इन परिवारों को प्रशासन की ओर से किराए के मकान में रहने के लिए 4 महीने का किराया भी दिया गया है, साथ ही स्कूल और सरकारी भवनों में रहने की व्यवस्था की जा रही है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा, अगर कोई परिवार सुरक्षित स्थान में नहीं जाएगा तो उन्हें बलपूर्वक वहाँ से हटाया जाएगा ताकि कोई जानमाल का नुकसान ना हो सके। साथ ही इसको दूसरी तरफ स्थापित करने की फाइल शासन को भेज दी गई है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने खतरे की जद में आए मकानों में रहने वाले परिवारों से जल्द मकान खाली करने की अपील की है। मालूम हो कि पिछले वर्ष अक्टूबर में आई आपदा से क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी, कई भवन भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। आपदा को लेकर इस बार प्रशासन काफी अलर्ट है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है ताकि आपदा आने पर जानमाल का नुकसान ना हो सके। परगने में भारतौली और गल्ला ये दो गांव थे जिनका के विस्थापन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर ऐसे जो घर हैं उनको नज़दीकी या तो हमारे पंचायत घर या किसी स्कूल में अथवा जो है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर किराए के भवन में जाने के लिए बता दिया गया है। अभी तहसीलदार साहब और मैं भी उन गांव का दौरा करने वाले हैं और अगर किन्हीं लोगों को जाने में अगर वो आनाकानी कर रहे हैं तो उनको नोटिस भी निर्गत कर दिया गया है और उनके साथ बातचीत भी की जा रही है कि वो अपने को सुरक्षित स्थान पर रखें और जो भी उनका किराया बनेगा प्रशासन के द्वारा वो किराया उनको निर्गत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी, उनसे वार्ता कर ही की जाएगी, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करता है तो उनको बलपूर्वक जो है वो विस्थापित किया जाए।